फिल्म के शुरुआत में हमें किड और जेस नाम के कपल को दिखाया जाता है, जहाँ के जेस की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक जंकयार्ड में ले आता है और वहां लाकर वो उसकी पट्टी हटा देता है, जिसे देखकर जेस उससे कहती है कि तुमने अपनी पुरानी जॉब और सारे जमा किए हुए पैसों से ये जंकयार्ड खरीद लिया। जिस पर केड कहता है कि इस जंकयार्ड में कई सारे कीमती चीजें होंगी जिन्हें मैं ठीक करके बेचूंगा और तुम चिंता मत करो, देखना हमारा ये बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। जिस पर जेस भी इस जंकयार्ड के बिजनेस के लिए हामी भर देती है, जिसके बाद वो दोनों जंकयार्ड में बने केबिन के अंदर आते हैं, लेकिन वहाँ सिग्नल नहीं होता, इसलिए सिग्नल ढूंढने केड केबिन के बाहर चला जाता है। वहीं केबिन में जेस को डैन नाम के आदमी की काफी धूल जमी हुई फोटो दिखाई देती है और तभी उसके पीछे से कोई गुजरता है, जिसे देख कर वो घबरा जाती है। पर जब वो उसे देखने केबिन के बाहर आती है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। अब रात को जब वो दोनों सो रहे होते हैं कि तभी जेस को उसके बेड के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती है, और जैसे ही वो चेक करने बेड के नीचे हाथ लगाती है तो वो एकदम से हिलने लगता है, जिससे वो एकदम घबरा जाती है और फिर वो केड को उठाकर उसे चेक करने को कहती है। पर जब वो चेक करने के लिए जैसे ही बेड खोलता है तो दुर्भाग्य से उसका हाथ बेड के नीचे ही फंस जाता है, जिससे उसे काफी तकलीफ होने लगती है। जेस अब बेड को खोलने की कोशिश करती है पर वो असफल रहती है, इसलिए अब वो जैक से बेड को खोलकर केड के हाथ को बाहर निकालती है। अब अगले दिन हम डैन को देखते हैं जो सीसीटीवी से केड और जेस पर नजर रखे हुए था। वहीं इधर केड केबिन में बाहर फोन पर किसी से बातें कर रहा होता है और इधर जेस उसे ढूंढते हुए दूसरे कमरे में आ जाती है, जहां कई सारे मशीन्स रखी होती है और वहीं लड़की चैन में खून भी लगा होता है। और फिर तभी बेसमेंट के अंदर जेस को किसी की आंख दिखाई देती है और फिर कोई डरावना हाथ उसे छू कर वहां से चला जाता है, जिससे वो एकदम घबरा जाती है, इसलिए वो तुरंत ही दूसरे कमरे में आ जाती है। पर अब उसे बेसमेंट के नीचे से कई सारे लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे डरकर वो वहां से भागने लगती है। पर तभी उसके पीछे एक भयानक आत्मा पड़ जाती है, जिससे बचते हुए वो केड के पास आ जाती है। वो अब उससे पूछता है कि तुम इतनी घबराई क्यों हो, जिस पर जेस कहती है कि क्या तुमने कोई अजीब आवाज नहीं सुनी, पर केड इस पर साफ मना कर देता है, जो सुनकर वो कहती कि शायद मुझे आराम की जरूरत है, इसलिए वो तुरंत ही सोने का कहकर वहां से चली जाती है। अब इसके बाद केड एक वैन के ऊपर चढ़कर वहाँ ड्रिलिंग का काम करने लगता है, पर दुर्भाग्य से उसका पैर फिसल जाता है, जिससे गिरकर वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और फिर जब उसे होश आता है तो वो केबिन में जेस को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। वहीं केबिन में चोरी करने के लिए तीन चोर घुस आते हैं और इधर केड को एक कमरे से जेस की आवाज सुनाई देती है, और जब वो उस कमरे में जाता है तो उसे वहां रखी टीवी में जेस दिखाई देती है, जिसके दोनों पैर को काट कर एक कुर्सी से बांध दिया गया था। वो अब केड को मदद के लिए चीख चिल्ला रही होती है, साथ ही वो ये भी कहती है कि जिसने मुझे पकड़ा है वो चाहता है कि तुम उन सारे लोगों को मार दो जो भी इस केबिन में आएगा, वरना वो मुझे मार देगा। वहीं फिर हम डैन को देखते हैं, जिसने जेस को बंदी बनाया होता है और फिर एक बटन दबाकर जेस की गले में लगे पट्टे को टाइट करने लगता है, इसलिए फिर केड जेस को बचाने के लिए एक तलवार लेकर कमरे के बाहर आता है, जहां उसे वही तीन चोर दिखाई देते हैं और फिर एक चोर उसे तलवार फेंक देने को कहता है, लेकिन वो नहीं सुनता। और फिर जैसे ही केड उस पर हमला करने जाता है, वो चोर उसके चेहरे पर शूट करके वहां से भाग जाते हैं। पर उनके जाने के बाद जब केड उठता है तो उसका चेहरा काफी बुरी तरह से घायल हो चुका होता है, लेकिन फिर भी वो अपने तकलीफ की परवाह ना करते हुए जेस के लिए वहीं रखी मशीनों से अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लोहे का कवच लगा लेता है। दूसरी तरफ रियल एस्टेट ऑफिस में एना नाम की फीमेल कैरा नाम की फीमेल से कह रही होती है कि आखिर मार्टिन ने केड को वो जंकयार्ड कैसे बेच दिया, जबकि कुछ दिन पहले वहाँ एक फीमेल का शव मिला था। वहीं एक आर्किटेक्ट केड के जंकयार्ड में आती है, जिसे केड नहीं बुलाया होता है। वो आर्किटेक्ट केड को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं दिखाई नहीं देता। और तभी पीछे से केड उसके अंदर तलवार घुसा देता है, पर ये सीसीटीवी में ठीक से रिकॉर्ड ना होने के कारण डैन को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो जैसे कहता है कि केड से कहो कि उस आर्किटेक्ट का स्काल्प काट कर खुद के सिर में लगा ले, और ये सब सीसीटीवी में ठीक से दिखना भी चाहिए।
इसके अलावा वो जितनी भी हत्या करेगा वो सब सीसीटीवी के सामने होनी चाहिए। इसलिए अब मजबूरन जेस केड को डैन द्वारा कहा गया काम करने को कहती है। इसीलिए केड आर्किटेक्ट के पास जाता है जो कि अब भी जीवित होती है, पर फिर भी वो उसे मारकर उसका स्काल्प निकाल लेता है। अब केबिन में जेस से मिलने उसकी दोस्त एला अपने पति जेटी के साथ आती है, पर उन्हें भी केबिन में कोई दिखाई नहीं देता। इसलिए वो दोनों अलग अलग होकर जेस को ढूंढने लगते हैं, पर तभी एला के सामने केड आ जाता है जिसे देखकर वो डर जाती है, पर फिर केड उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। अब एला की आवाज सुनकर जेटी तुरंत वहां आता है जिसे एला बेहोश दिखाई देती है, पर तभी केड उसे भी पकड़ लेता है, लेकिन जेटी जैसे तैसे खुद को छुड़ा कर केबिन के बाहर आ जाता है, पर केड वहां भी उस पर हमला करने लगता है, इसलिए जेटी उसे मारकर धाराशायी कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ से भाग पाता, पीछे से डैन एक शॉवल से उसका खेल वहीं खत्म कर देता है, जिसके बाद वो केड से कहता है कि तुम पिछले वाले जितने ताकतवर नहीं हो, वो तुमसे ज्यादा अच्छा था। यानी कि डैन ने इससे पहले भी किसी को केड की तरह फंसा कर उसे हत्यारा बनाया था, और जो भी अब तक मरे हैं उनकी ही आत्मा पूरे केबिन में भटकती है जिसे जेस ने देखा था। आपके डेला को बांध देता है जो अब होश में आ चुकी होती है, और उसके होश में रहते ही केड उसके हाथ को काट कर उसमें जेटी का हाथ जोड़ देता है, जिसके बाद वो उसका चेहरा काटने की तैयारी करने लगता है। आप केबिन में आर्किटेक्ट के लापता होने पर दो डिटेक्टिव्स क्लार्क और मैरी उसे ढूंढते हुए जंकयार्ड आ जाते हैं और अलग अलग होकर केबिन की तलाशी लेने लगते हैं, पर तभी क्लार्क के सामने केड आकर उसके अंदर भी तलवार घुसा देता है। वहीं मरी आगे बढ़ते हुए क्लार्क के पास आ जाता है जो क्लार्क की ऐसी हालत देखकर घबरा जाता है। वो मरी से कहता है कि तुम तुरंत उस आदमी को ढूंढो, मैं बैकअप बुलाने के लिए फोन करता हूँ। इसलिए मरी गन लेकर केड को ढूंढने लगता है, और तभी उसे एक आत्मा दिखाई देती है जिसे देखकर उसकी हालत पतली हो जाती है। इसलिए वो डर के मारे कोने में छिप जाता है, पर उसे छिपते हुए डैन देख लेता है जो मरी के डर को देखकर खुश हो रहा होता है। वहीं क्लार्क बैकअप के लिए फोन लगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से फोन नहीं लग पाता, और वहीं घायल अवस्था में होने के कारण अंत में वो अपना दम तोड़ देता है। इधर मरी आगे बढ़ते हुए एक जगह आ जाता है जहां उसे जमीन पर एक टेबल रखा मिलता है जिसमें कई सारे बड़े और नोकीले कीले लगे होते हैं, और तभी दीवार की तरफ से केड उस पर हमला करने लगता है। पर मरी जैसे ही केड पर स्क्रू ड्राइवर से हमला करने वाला होता है, केड उसे अपनी तलवार से मारकर उसी कीले वाले टेबल पर गिरा देता है जिससे उसकी भी वहीं मौत हो जाती है। अब इधर उस फीमेल की बहन टेरेसा जिसका शव जंकयार्ड से मिला था, वो मार्टिन को धमकाते हुए कहती कि जंकयार्ड को बेचने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जबकि तुम उसकी सच्चाई जानते हो, इसलिए तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं उन्हें जंकयार्ड की सारी सच्चाई बताऊंगी। इसलिए अब वो मार्टिन और कैरेन के साथ उसी केबिन में आ जाते हैं जहां भी डैन सीसीटीवी से उन्हें देख रहा होता है, जो केबिन में अब तीन लोगों के आने पर एकदम खुश हो जाता है। वहीं अब तीनों अलग अलग होकर जेस और केड को ढूंढने लगते हैं, और फिर कैरन को एक न्यूज़पेपर कटआउट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि इस जंकयार्ड में कई बार शव मिले लेकिन हत्यारे का पता नहीं चला। वहीं अब मार्टिन को जंकयार्ड के बाहर उसकी कार दिखाई नहीं देती, जो देख कर वो घबरा जाता है, और वहीं दूसरी तरफ कैरन को बेहोश करके केड अपने साथ ले जाता है। अब इधर मार्टिन कार के बारे में टेरेसा को भी बताता है, पर तभी टेरेसा को वहाँ केड दिखाई देता है जिसे देखकर वो घबरा जाती है और बैट लेकर उसके पीछे जाती है, पर अब मार्टिन को भी केड दिखाई देता है जिसे देखकर वो भी घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है, पर टेरेसा कहती है कि हम कैरन के बगैर नहीं जा सकते, लेकिन वो एक नहीं सुनती और अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है। अब वहीं केबिन में टेरेसा अकेले ही कैरन को ढूंढने लगती है, और तभी उसे एक आत्मा दिखाई देती है जिसे देखकर वो घबरा जाती है और भागकर दूसरे कमरे में आ जाती है, जहां अब उसे टीवी के अंदर कैरन दिखाई देती है जो देखकर वो और ज्यादा डर जाती है, पर इतना कम नहीं कि फिर केड उसे पकड़ लेता है। लेकिन हैरानी की बात यह कि वो उसे ना मारकर वहां से चला जाता है, पर जब टेरेसा वहां से भागने की कोशिश करती है तब केड उसे बैट से मारकर बेहोश कर देता है।
देता है और जब उसे होश आता है तो अपने आप को बंदी बना पाती है, जहां कीड़ ने उसके दोनों कंधे के ऊपर नट बोल्ट से चैन बांधकर उसे लटका दिया होता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। और तभी वहां कीड़ आकर उसके चेहरे के अंदर बोल्ट घुसाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक ही उसका इरादा बदल जाता है और फिर वो उसे ना मारते हुए वहां से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद टेरेसा काफी हिम्मत जुटाकर अपने कंधे पर लगे नट बोल्ट को निकाल कर खुद को छुड़ा लेती है, जो देखकर डैन एकदम हैरान हो जाता है कि टेरेसा काफी हिम्मत वाली है। वहीं इधर केड कैरन के पास आता है, जिसका एक पैर उसने काट दिया था और वो उस पैर की जगह एक लोहे के टुकड़े को बोल्ट की मदद से जोड़ देता है, जिससे कैरन को काफी ज्यादा भयानक तकलीफ होती है, जिसके बाद वो टेरेसा को देखने जाता है। पर तभी टेरेसा उसे रॉड से मारकर वहां से भागने लगती है, लेकिन पीछे से कैड उसके गले में रस्सी बांधकर उसे लटकाकर वहां से चला जाता है। पर उसके जाने के बाद वो जैसे तैसे सिलेंडर पर खड़े होकर रस्सी को अपने गले से निकाल लेती है। वहीं दरअसल मार्टिन को बुरा लग रहा था कि उसने टेरेसा और कैरन को अकेला छोड़ दिया, इसलिए वो फिर से जंकयार्ड की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं इस तरफ टेरेसा को कैरन की आवाज सुनाई देती है और जब वो उस कमरे में जाती है तो वहां केड ने कैरन के पैर में लोहे के टुकड़े को लगा दिया था, जिसे देख कर वो एकदम कांप उठती है, पर फिर भी हिम्मत जुटाकर रेन से कैरन के पैर में लगे बोल्ट को निकाल देती है। लेकिन तभी वहां केड आने लगता है, इसलिए वो उससे बचने के लिए एक जगह जाती है और जब वहां केट पहुंचता है तो कैरन के पैर से निकले हुए बोल्ट को देखकर वो गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो निर्दय फिर से उसे कैरन के पैर में ठोक देता है, जिससे वो दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगती है। पर तभी केट की नजर टेरेसा पर पड़ जाती है और जैसे ही वो उसे पकड़ता है, टेरेसा एक स्क्रू ड्राइवर उसके हाथ में घुसाकर वहां से भागने लगती है, लेकिन दुर्भाग्य से रास्ते में लगी रस्सी में फंसकर वो नीचे गिर जाती है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। अब इधर मार्टिन भी जंकयार्ड तक आ जाता है, जहां उसे क्लार्क की गन दिखाई देती है और उसके कोट से उसे गोली भी मिल जाती है, जिसके बाद वो केबिन के अंदर आता है, जहां उसे केट टेरेसा को घसीट कर ले जाते हुए दिखाई देता है। और तभी उसे कैरन की भी पुकार सुनाई देती है, इसलिए वो पहले उसके कमरे में जाता है और उसे छुड़ाकर बाहर ले आता है। वहीं इधर केट टेरेसा को एक जगह लेकर आता है और वहां लगे सीसीटीवी पर कपड़ा रख देता है, मानो वो टेरेसा की जेस को ढूंढने में मदद करना चाहता हो, जो देखकर डैन एकदम गुस्सा हो जाता है, इसीलिए वो जेस की मशीन अब चालू कर देता है। इधर मार्टिन जब कैरन के साथ केबिन के बाहर होता है कि तभी वहां केड आ जाता है, जिसे देखकर मार्टिन वहां से भाग जाता है। वहीं टेरेसा को जेस की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो तुरंत उसके पास जाती है और काफी कोशिशों के बाद वो उसे मशीन से आजाद कर देती है। वहीं अब मार्टिन केड को गन से शूट करता है, लेकिन आर्मर के कारण केड को कुछ नहीं होता और फिर मार्टिन की गोली खत्म हो जाती है, इसलिए वो वहां से भागने लगता है। और तभी केड कैरन को देखकर उसे वहीं मार देता है। और इधर मार्टिन जैसे ही केबिन की दीवार फाड़ कर दूसरी तरफ कूदता है तो उसके पैर में लोहे का टुकड़ा घुस जाता है, पर फिर भी वो जैसे तैसे आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन केड वहां भी पहुंचकर उसे अपने तलवार से मार गिराता है। आपके टेरेसा को ढूंढते हुए कमरे में आता है, जहां उसे जेस दिखाई देती है, जिसे देखकर वो एकदम खुश हो जाता है। और तभी वहां बाकी डिटेक्टिव आकर केड पर गन तान देते हैं, जो सभी काफी समय से क्लर्क ऑफ मर्फी की कोई खबर ना मिलने पर आए होते हैं और फिर वो केड को पकड़कर पागलखाने में भर्ती करवा देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ डैन अब भी बचा होता है और वो बड़े आराम से अपनी कार के जरिए जंकयार्ड से चला जाता है। और इसी हॉरर एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।